हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर समझेंगे जिसका नेम है भाषा और व्याकरण, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए रीड करते हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह बालक हो या वयस्क, सभी को अपने भाव और विचार व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। एक छोटा बच्चा रोकर बताता है कि वह भूखा है। इसी प्रकार जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह इशारे करके अपनी बात को समझाता है, तथा और अधिक बड़ा होने पर वह शब्दों के द्वारा अपनी बातें समझाना आरंभ करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारों को स्पष्ट करने व समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाती है, जो कि विचारों का आदान प्रदान करती है। अगर छोटे शब्दों में इस बात को हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा होता है। वो किसी भी माध्यम के रूप में हो सकता है, या तो हम किसी को बोल कर बता सकते हैं, या हम किसी को लिख कर बता सकते हैं, या हम किसी को संकेत के माध्यम से बता सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुनता है, वही क्या होती है, भाषा होती है। छोटा बच्चा रोकर बता देता है, वह थोड़ा अगर बड़ा हो जाता है तो इशारे से बता देता है, और अपने और उसके बड़ा होने पर वह शब्दों से अपनी बातों को समझाना आरंभ कर देता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अभी हमने बताया कि अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही क्या होता है, भाषा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी पहले पढ़ा है कि भाषा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इन शॉर्ट अगर हम समझाएं तो मौखिक का मतलब होता है मुंह के द्वारा बोलने वाली, यानी ओरल लैंग्वेज। ये होता है लिखित भाषा, जिसे हम बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिखकर अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद है आपकी सांकेतिक भाषा, इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात को संकेतों के माध्यम से, यानी कि अपनी साइन लैंग्वेज से अपनी बात अगले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं मौखिक भाषा के बारे में, यानी कि आपकी ओरल लैंग्वेज के बारे में। जब मनुष्य को मुख से बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है, जब मनुष्य अपने विचारों को मुख से बोलकर अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो आदि, देखना व सुनना, टेलीफोन आदि पर बात करना। आप देखो पिक्चर्स में भी देख सकते हो, बच्चे टीवी देख रहे हैं, यानी कि उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है या कार्टून से कुछ भी वो सुन पा रहे हैं, तो वो किस रूप में सुन रहे हैं, वो बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, यानी कि मौखिक रूप से उनको इसका ज्ञान मिल रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं रेडियो सुना जा रहा है, तो रेडियो से समाचार या जो भी वो सुन रहे हैं तो वो किस रूप से सुन रहे हैं, मौखिक रूप से सुन रहे हैं। थर्ड पिक्चर में देखिए फ़ोन पे बात हो रही है, फ़ोन पे बात होने का मतलब क्या है कि आप अगले व्यक्ति की बात मौखिक रूप से सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गई आपकी ओरल लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। अभी हमने आपको बताया था वह भाषा जिसे हम लिख कर बताएं। इसकी डेफिनेशन देखिए, जब विचारों को लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात बताया जाता है, हम अपनी बात किसी को लिखकर बताएं, तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख, श्यामपट यानी ब्लैकबोर्ड पर लिखना व लिखी गई बातों को पढ़ना आदि। जब आपकी टीचर आपको पढ़ाती हैं तो वो बोर्ड पर लिखती हैं, कोई भी बात बोर्ड पर लिखती हैं, तो आपको वो बात किस थ्रू, किस माध्यम से पता चलती है, लिखित रूप में। तो वो क्या होती है आपकी रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है साइन लैंग्वेज, मतलब कि अपनी बात
संकेतों के माध्यम से बताना। अगर कुछ व्यक्ति कोई लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं और लिख भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं, तो वो अपनी बात कैसे बताएंगे? साइन लैंग्वेज के थ्रू बताएंगे। जब विचारों को संकेत